भाई ये देखो मसाले रखने वाली चीज़ है, रखते कैसे ये देखो, कुछ इस तरह के मसाले रखते हैं भाई। ये देखो भाई सही चीज़ बना रही है भाई, बड़े बड़े इंजीनियरों ने है ना सारे मसालों से बोट बना रही है। बोट भी ऐसी नहीं है नकली सी, इतनी सही बोट है भाई। बाकी जो भी ये देखो काली मिर्च, काली भी लाएंगे नहीं भाई ये तो। राजली, रोहन और अंकित तो ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। आज हम गए हैं दिल्ली हट, दिल्ली की झोपड़ी नहीं 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 दिल्ली हट, ठीक है। तो आज हम गए दिल्ली हट, दिल्ली हट में आज हम रात के टाइम गए हैं, सुबह के टाइम तो आप अक्सर गए होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली हट का रात का व्यू, देखते हैं दिल्ली हट में रात को क्या क्या होता है। को जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, तैयारी चल रही है जैसे आपको पता ही है। ये देखिए भाई दिल्ली हट का सबसे प्रसिद्ध ये जो बिल्डिंग सी बना रही है बम्बू से, तो यही है भाई। तो और अंदर चल के दिखाते क्या क्या शॉप्स है और क्या क्या जगह है घूमने लायक। तो भाई सबसे पहले हम ले लेते हैं भाई टिकट, टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं सिर्फ मात्र 20 रुपये में। तो 20 रुपये में टिकट मिल जाती है हाई समेत। अगर आप किसी नॉर्मल डेज में आओगे तो भाई आपको 20 रुपये लगेगी, अगर आप फेस्टिवल डेज में आओगे तो आपकी 25 to 30, 25 से 30 रुपये भी आपकी टिकट हो जाती है, कभी कभी ये 50 रुपये भी तक चली जाती है सुनने में आया है। तो भाई ये टिकट होती है भाई ऐसी, देख लो ये टिकट है भाई अपनी ऐसी दिखती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो भाई हम पहुँच चुके हैं दिल्ली हट, साथ में रोहन, अंकित, फौजी, मैं तो आपको पता ही है फौजी लग रहा है ना कटिंग के साथ। फौजी लग रहा है भाई कटिंग के देख के, तो फौजी लग रहा है। बाकी आप देख सकते हो दिल्ली हट ऐसा है अंदर से, रात में दिखाने लाया तू भाई। यहाँ पर है ना शॉप्स है, ये देखो यहाँ पर दुकान है चिज्जी की है ना, चिज्जी कपड़े मिलते हैं भाई। इसका नाम भी चिज्जी था, तेरा नाम चिज्जी था। और इधर बंदे बैठते हैं, और क्यों बैठते हैं तो इतिहास बताओ, बता क्या यहाँ पे। हाँ बता, भाई तू अकेला क्यों आ गया मेरे भाई, तुम आए क्यों है? दिल को तसल्ली देने भाई, मैं तो पहली बार आया हूँ, मेरे को तो आना बनता था, तो मैं इनको लेके आया हूँ, एक्सपीरियंस मैन को, जिनको एक्सपीरियंस है भाई, हमें एक्सपीरियंस है। फिर जलाना तुम आराम हो वो भाई, ऊपर से देखो ऐसे दिखता है ये देखो, हाँ ये ऊपर से व्यू ऐसे दिखता है दुकान है ये। यहाँ तो लेके गए ही नहीं, चल रहे हैं कहाँ से लेंगे, यहीं से चलेंगे। तो पहले बता था ना, ना वो बंद कर रही है ना भाई, ये देखो दुकान है, ये देखो मैं दिखाता हूँ भाई, कुछ इस तरह की शॉप्स होती है। अभी तो धुंध हो रही है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ढंग से, कुछ इस तरह की शॉप्स है। चमगादड़ इतना बड़ा ऊपर से निकल चुका है भाई यहाँ पर, तो मैं कह रहा हूँ चलो आगे चलो। तो भाई मेरे को तो कुछ पता नहीं है दिल्ली हट का सिस्टम, तो अंकित बताएगा। अंकित ये सीढ़ियाँ क्यों लगाई गई है, और ये वो जो स्टेज आपके सामने ये देखो जिसमें कठपुतली सी बन रही है स्टेज है, बताओ जो फेस्टिवल होते है वहाँ पे डांस वांस होता है, प्रोग्राम होता है 25 दिसंबर को न्यू ईयर के दिन वो डांस मिलेगा, और यहाँ पे काफी भसड़ मिलेगी कपल्स की। अच्छा अच्छा, सिंगल्स भी आते हैं लेकिन सिंगल का कोई फायदा नहीं है, दुख दर्द और पीड़ा, दुख दर्द और पीड़ा कोई बात नहीं, तुमको तो डायरेक्ट शादी करनी है ना, अभी थोड़ी कर रहे हैं भाई, कोई बात नहीं अंकित। अच्छा बहुत उम्र है, चलो कोई बात नहीं। अंकित का कहना मतलब ये है कि जो सीढ़ियां लगा रही है ना यहाँ पर सारी ऑडियंस बैठती है, और लाइक वहाँ पर वो होता है शो होता है, शो होता है 25 दिसंबर को आओ, हाँ एक नंबर प्रोग्राम होगा, बहुत नंबर 50 रुपए की टिकट होगी, 50 रुपए की टिकट, और 25 दिसंबर को हम आए। हाँ। ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा गाइड या कुछ बता रहा है शोरूम के बारे में, आप यहाँ से बैठ सकते हो यहाँ भी बैठ बताने का तरीका, एक्सपीरियंस है बंदा, कोई बात ही नहीं। बाकी हाँ भाई जिस काम से पैसे मिल रहे हैं वो काम अच्छा करता है। 20 से जाने की रास्ता है भाई, मुझे अंधेरा दिख नहीं रहा, ये देखो भाई लंबी सीढ़ियाँ हैं यार, पैर दर्द करवा देगा, ये देख रहे हो हमारी से चलेंगे इसको जान दे, ये तो करता रहता होगा आतंक, बड़ा बदमाश लड़का मटक। तो भाइयों दिल्ली हट में हम इस समय, हम तो भाई वहीं से उतरेंगे, मुंह से धुआं निकाल के दिखाइयो, नहीं निकल रहा, मैं निकाल के दे रहा हूँ, नहीं निकल रहा निकल रहा है वो, निकल रहा है मजे। तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आज का ना पूरा घुमाने का जिम्मा ना अंकित को सौंप देते हैं, अंकित को सौंप देते हैं, अंकित कपड़े भी वैसे पहन के आया है, और गाइड वाले सही तो आ रही है, ठीक है तेरी थोड़ी नहीं की, मैं तो कह रहा हूँ नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी, लो भाई देखो कितना ख्याल रखते है ना, आ रही है हाँ बढ़िया आ रही है।
तो भाइयों आ जाना अंकित को, हम सारा क्या बोलते हैं इसको, हमारा गाइड है भाई दिल्ली हट का अंकित, ठीक है भाई। पैसे भी चाहिए फिर मिल जाएंगे घंटे के हिसाब से, भर के मिलेंगे भाई। आज हमारा गाइड अंकित है दिल्ली हट का, देख लो सकल भाई की, ठीक है। वाह, तो भाइयों यहाँ पर है ना रोशनी की कमी है, आप देख सकते हो ये रोशनी के नीचे बैठा जादू यार। तो मेरे को ऐसे देखते मेरे को ना वो हो जाता है, क्या बोलते हैं तुम, इंग्लिश का वर्ड है कुछ, इंग्लिश से दूर दूर का नाता है, मेरी दाढ़ी नहीं दिख रही। चलो तो भाइयों मैं आपसे ये कह रहा था कि ठंड बहुत है यहाँ पर, और ठंड के चक्कर में ना मेरा पोस्ट का बटन दब रहा, ना मेरा ये क्या बोलते हैं वीडियो का बटन दब रहा, तो इस वजह से थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको इस बार, ठीक है। जेल से बना रहेगी क्या आएगी जेल भाई, एक मिनट अंदर जाके बोले भाई, ये वही जेल है जहाँ पर अंकित के रिश्तेदार यानी अंकित, हाँ कुछ भाई ये देखो कितनी बढ़िया जगह ले लिया उन्होंने, किसी की दुकान है बेचारों हाँ देखो किसी की दुकान है बिचारों की, अब इन्होंने ले ली। तो भाई कमेंट में लिख देना कॉन्ग्रेचुलेशन हमने ये दुकान खरीद ली, बंद ओए बंद मत कर, उसके ताला लगा दिया है कोई, ताला लगेगा कोई, ताला तो है ना, अब वो ताला लगाएगा हम यूं करेंगे गल्ला खाली करो चेक करो भाई, अगर दिल्ली हाट वाला कोई बंदा देख रहा होगा तो बंदा बोलेंगे इनको नहीं घुसाएंगे इस बार, देख सकते हो अंकित यहाँ पर है भाई, ठीक ठाक। बहुत सालों बात नहीं, महीने हो गए ना, मैं तो पहली बार आया भाई, क्यों झूठ बोलूं, मेरे अबे हम मिले बहुत महीनों बाद, हां ये सुनने में दूसरी बार मिल रहा है, लैपटॉप देने गए थे इसके घर पे, चलो अच्छा अपने टैक्सी ड्राइवर से, हां टैक्सी के नाम से याद आया इसको, चलो कोई बात नहीं फोटो शूट कर लेते हैं यहां पर भाई, मैं कह रहा हूं हाँ चलो भाई चलो भाई, देखो फोटो शूट करने के लिए अगर आपको आना हो ना बेस्ट लोकेशन है, अगर आपको कोई रील्स बनानी हो तो बेस्ट लोकेशन है, अगर आपको कोई शादी का प्री वेडिंग शूट कराना हो ना तो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट लोकेशन है। तो भाई ये देखो हमारे कर्मचारी आ रहे, हमारे नहीं मतलब यहाँ की जो सफाई होती है, और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है अंकल, ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है, अच्छा एग्जीबिशन लगता है स्कूलों का, भाई ये स्कूलों का एग्जीबिशन लगता है, हाँ ये लिखा हुआ है ना एग्जीबिशन, हाँ एग्जीबिशन बाजार, वो जल गई लाइट जल गई, हुई वो देख वहाँ से भाईयो, ये कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है इसके ऊपर भी जाने का है ना, हाँ इसके ऊपर भी जाने का, और इधर देखो हनीमून नाइट लग रही है, मुझे लग रहा है क्या ही कपल्स नाइट, हाँ ये कपल्सों के लिए लग रहा है, लाल कलर की ना दिल मतलब प्यार की निशानी, क्रिसमस भी आ रहा है, अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा मुझे भी चाहिए, वहीं से तो आए थे, अरे गाली नहीं भाईयो हम वहां से घूम घाम के आ चुके हैं और भी आपको आगे दिखाएंगे, चलो यहाँ तो ऐसा कुछ खास है नहीं, हवा बना रहे, हाँ हवा बना रही है, दिल्ली हाट है बाकी यहाँ पर वही लुगाइयाँ ले लेके आते लोग, फोटो शूट हो रहे भाई, ये देखो फोटो, ये देखो नोटी बातें कर रहे हैं दोनों भाई साहब, पूरे ब्लॉग में इन्होंने नोटी बातें नहीं करी हो ना भाई, कसम से ये देखो ये ट्री है भाई, चलो अंकित जाइए फोटो खींचेंगे तेरी, जा इसको ना ऐसी फोटो खिंचवाते हैं, देखो लुगाई वाली, अभी तूने यूं कर रखा था ना, मुझे लगा इसकी लुगाई वाली फोटो खींच दो, लुगाई वाली, जिंगल बैल जिंगल बोल दो भी दिग्गिया फोटो की तो क्लिक करो 1 2 3 ओ भाई होगी, आजा डेढ़ सौ देखो भाइयो हम तीनों कैसे आ रहा, मैं फिर कह रहा फिर कैमरा ऑन नहीं है, ऑन है बस ठीक है भाई, बहुत तगड़ी आ रही होगी, देखना अब आ रही होगी, बहुत सुट्टा पिया भाई। भाई मैंने आपसे झूठ बोला था, हम आए हैं भाई अंकित की शादी है, ये मंडक है भाई, ये देखो ये अंकित की शादी का मंडक है, मंडक नहीं होता मंडप होता है जो भी है भाई, ये अंकित की शादी का मंडक है बस भाई, वो तेरी है ना, मेरे को दर्द नहीं है, मेरे को दर्द इस बात का है तेरा मंडक खाली रह गया दिक्कत यहाँ रहा है भाई, पैसा तो खर्च करा बहुत सारा लेकिन दुल्हन नहीं मिली,
ढूंढ ले यहाँ का, ये एक दो हो तो खाली पी ली। अब मुंडक कह रहा हूँ, मंडप फोटो खींचने के लिए। ये तो कुछ और ही चली गया, संगत का सर कह रहा है, ज्यादा मत बोले। चलो कोई बात नहीं, आ फोटो ले ले, यही रह गया मंडक में। ये भी बात है, चल एडिट कर दूंगा भाई। देखो ये बंदा दिख रहा है ना, मैं इसके चेहरे पे लड़की लगा दूंगा सच्ची में। मजाक कर रहा हूँ, चलो फोटो खिंचवा यार दिल पे ले दो भाई। इधर बाजार के नाम पे तो अभी बंद है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या कह रहा था अंकित? हाँ स्पाइसी इंडियन, तो इंडिया अंकल भी बैठे हैं अंदर, दिखा देते। चलो भाई, चलो 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 भाई, अंकल ने नोता दिया है। तो भाई स्वागत है आज की भाई इस नई वीडियो में। तो भाई आज हम आए हैं स्पाइस इंडिया, ठीक है, स्पाइस इंडिया। अंकल यहाँ पर बैठे हुए हैं, अंकल से थोड़ा पूछते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो कैबिन बना रखा है ये क्यों है उधर। अंकल ये स्पाइस इंडिया क्या चीज़ है, वीडियो बता दो। अच्छा गवर्नमेंट का ही, मतलब तो प्राइवेट है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। बोट है ना, ये सारे मसालों से बनी हुई है। मेरी आ रही है सही है भाई? ये ना बोट है ना, मसालों से बनी हुई है। यहाँ पर ये क्या चीज है बताओ, इनकी तरह चलती है मेरे को नॉलेज दे इतने यार बनी है स्पाइस इंडिया। मेरे को पता नहीं है, देखो एक तो ये छुआ रहे हैं, ठीक है, छुआ रहे हैं। छुआ रहे तो है, छुआ रहे क्या काम है फिर? अबे स्पाइस बना होता है छुआ रहे फिर क्या? हां जी ब्लैक पेपर होगा अच्छा भाई, अंकल कह रहे बड़े बड़े इंजीनियरों ने बनाया होगा, तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। मैंने अगर आपको कुछ गलत बता दिया तो भाई ये देखो मसाले रखने वाली चीज़ है, रखते कैसे ये देखो, कुछ इस तरह के मसाले रखते हैं भाई। ये देखो भाई सही चीज़ बना रही है भाई, बड़े बड़े इंजीनियरों ने है ना सारे मसालों से बोट बना रही है। बोट भी ऐसी नहीं है नकली सी, इतनी सही बोट है भाई। कहाँ लिखा हुआ है भाई? ये देखो नमस्ते भी लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और इधर भाई इधर मंदिर है भाई, जय श्री राम। और भाई यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हो, बाकी जो भी ये देखो काली मिर्च काल भी लाएंगे नहीं भाई ये तो। हाँ बोल, तो बोली को रुकती पूछ लिया। ओ ये देखो भाई ये लिए क्या आ गया भाई ये बोट। क्या हुआ क्या हुआ? चलो भाई आपको बोट के बारे में बताते हैं भाई, ये कौन सी बोट है अंकित? ये वही बोट है जिसमें स्पाइसेस। अच्छा भाई जो आपने देखी ना टाइटैनिक वाली, वो तो बात अलग हो गई। ये होती है पुराने जमाने की बोट, जिसको ये क्या होते हैं रुमाल लगा रही, क्या लगा रही है कपड़ा होता है। हाँ भाई चलो भी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं भाई, नॉलेज नहीं है तो भाई भाई इसको डायरेक्शन देता है हवा से, ये डायरेक्शन देता है हवा से। तो भाई बोट देख लो, पूरी लकड़ी की बनाई गई है और बड़े बड़े इंजीनियर ने बनाई, कोई बच्चों ने नहीं बनाई ये। बाकी आप देख सकते हो कितना बढ़िया नमूना बना रखा भाई छोटी बोट का भाई, आई लाइक इट है। पॉलिश भी की हुई है, पेंट भी है, और आप कपड़ा भी देख सकते हो, ये कॉटन है, ये कॉटन का कपड़ा है, बाकी रस्से भी है। और ये रॉकेट क्यों है? ऐसी है भाई, इसके अंदर एक वो भी होता है, जैसे मान लो अगर बोट फंस भी जाती है ना तो ऊपर एक वो रॉकेट जाता है, जैसे आपने कार्टून वार्टून में देखा होगा। रोहन भैया देखो देख रहे हो मेरा फोन यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है फोटोशूट के लिए, रुक जा मैं हट जाता हूँ। खींचो भाई, अंकल बताना चाहते हैं कि जो पहले मसालों का आदान प्रदान हुआ था ना, जैसे ये जैसे मान लो मसाले आते दूर दूर से कलकत्ता बंगाल से, अपना इंडिया तो हाँ ब्रिटिश मसालों की आदान प्रदान के लिए आए थे। जैसे आपको तो पता ही है भाई, वो हमारा जो इंडिया था ना मसालों, मतलब मसाले स्पेशलिस्ट है, बार बार के अंग्रेज लोग बड़े ब्रिटिश लोग हैं ना हमारे यहाँ से मसाले लेके जाते थे है ना। तो भाई ये उन्हीं का एक वो है नमूना कि भाई इसके अंदर सारे मसाले हैं, और पुराने ज़माने में मसालों से ही बोट मतलब यूज़ की जाती थी आदान प्रदान के लिए, मतलब बोट लेके जाओ उसके अंदर मसाले धर लो, तो पहले बोट ही थी ना लेके जाते। तो भाई मैंने आपको सही से सही बताया कि बहुत ही बढ़िया भाई, आगे आप देख सकते हो। वैसे तो भाई ठंड बहुत हो रही है, खरखरा रही है आवाज़, तो एडजस्ट कर लेना है।
और ये फ़ोन भी मेरा नहीं है, किसी और का। मेरे फ़ोन से तो वो फोटो वोटो खींच रहे हैं। बाकी यहाँ पर भाई जितनी भी बुक्स लगी हुई है आप देख सकते हो, डेकोरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी भाई साहब। ये भी बात है भाई। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, हैंडमेड शॉप्स होती है जो हाथ के कान के बुंदे होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, जैसी साइकिल दिख गई हमारे को, तो ये सब हाथों से बनाए जाते हैं या ऐसा लगे घर में एंटिक एंटिक चीज़ें सजाने के लिए और इस्तेमाल में आने के लिए, तो वो सब यहाँ बिकती है। तो अभी क्लोजिंग टाइम हो गया भाई, सब दुकानें बढ़ा रहे हैं अपनी अपनी, तो आप देख सकते हो भाई ये हैंडमेड है, कोई कोई मशीन से ही बनते हैं तो हैंडमेड की तरह ही लगते हैं। पूरी मार्केट कुछ इस तरह है, मार्केट बहुत बड़ी है लेकिन अभी बंद हो चुकी है, तो तैयारी खूब ज़ोरों से चल रही है, तो देखते हैं भाई आगे जाके। तो भाई यही था इस पूरे व्लॉग में, वैसे तो कुछ भी नहीं था इस व्लॉग में, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक कहाँ गए थे हम, स्पाइसी इंडिया पे गए थे, बाकी वही देखने की चीज़ मिली हमारे को इधर। हमारे को अंकल ने क्या बताया जरा बता स्पाइस के बारे में। अरे तू तो टीचर ही बन गया पागल। भाई मैंने बोलता नहीं, गाइड है तू क्यों कर रहा है भाई होटल मैनेजमेंट, गाइड बन जा। मैंने एक और नई चीज देखी है। क्या अली खराब लाइट। अरे यार चलो कोई बात नहीं, कांग्रेचुलेशन खराब लाइट हो चुकी है। अरे मैं कुछ और बता रहा हूँ, सुनो। क्या अंकल ने बताया था कि यहाँ पर कल मेला लगने वाला है। अबे हम आगे गलत, हमें कल आना चाहिए क्योंकि भाई क्रिसमस आ रहा है 25 तारीख को, 25 तारीख को ही आता है। बाकी ना अंकल बोल रहे हैं दोबारा आ जाएंगे। तू मिल रहा है अंकल, काम चल रहा है, ठीक है। सही है। अंकल बोल रहे थे हमारे को कल आना चाहिए, तो हम आज गलत आ गए। तो भाई जितना भी आपको व्लॉग समझ आया और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कैसा लगा मेरा मजाक?